गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट बेटा, कल हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में फर्स्ट स्टेज प्रमोशन क्या है। ठीक है, प्रमोशन के बारे में मैंने बताया था, यानी कोई व्यवसाय है जब तक हम उसके बारे में सोचते नहीं, वो व्यवसाय कैसे अस्तित्व में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो प्रमोशन में हमने यही डिस्कशन किया कि प्रमोशन का अभिप्राय जिसमें जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, चाहे इंडिविजुअल को ग्रुप हो, वो कोई ना कोई नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हो। कौन सा व्यवसाय जो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल प्रेजेंट में उनके आगे नहीं दिख रहा उन्हें, और उसके चलने की, सक्सेस होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे व्यवसाय पर वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। यानी आप कह सकते हो कुछ वस्तुओं से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना है, गुड्स से रिलेटेड, तो ऐसे गुड्स को वो देख रहे हैं जो फिलहाल अभी प्रेजेंट में या तो बहुत ही स्क्वेयर है, ठीक है, बहुत ही कमी है उसकी, तो कहीं ना कहीं उसको कोई सब्स्टिट्यूट हम लेकर आ जाएं ताकि वो ज्यादा ज्यादा क्या हो सके, बिक जाए। ठीक है, कोई या कोई नई फीचर्स के साथ किसी वस्तु को, किसी गुड्स को हम लेकर आ जाए तो वो जरूर 100% ही उस सफलता प्राप्त करेगी, मीन सक्सेस होगी, ज्यादा ज्यादा बिक्री होगी, प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले यही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा व्यवसाय शुरू किया जाए। फिर उसमें साइज भी देखा जाता है, प्लेस देखा जाता है, कैपिटल, ये सब कुछ देखा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो व्यक्ति इसके बारे में कार्य कर रहा है, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रोमोटर। क्या बोलेंगे? प्रोमोटर कहेंगे उसे। इसके बाद आता है, इसकी स्टेज भी बता दी थी, ठीक है, किस तरीके से प्रमोशन की स्टेज है। सबसे पहले आइडिया आता है, आइडिया आना जरूरी, आइडिया नहीं है तो फिर कैसे आप कार्य करोगे। ठीक है, आइडिया है, किसी भी कोई प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी आपने देखी होगी तो उससे रिलेटेड आप सोच रहे हो उसको आगे फॉर्मेशन कर सके कि व्यवसाय को गुड्स गुड्स से रिलेटेड, ऐसा सोचना ही आपको प्रमोशन के एक फर्स्ट स्टेप की ओर ले जाता है। इसके लिए संस्थाओं की हेल्प भी ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगी। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, जब आप गुड्स को चूज कर ही चुके हो तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करोगे जी, रॉ मटेरियल, प्राइस, गवर्नमेंट का क्या समर्थन रहेगा, मशीनरी, सबके बारे में आप डिस्कशन करोगे डिटेल। फिर डिफरेंट फैक्टर, जब हमने बिजनेस का सोच लिया है कौन सा शुरू करना है तो विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट भी हम पहले से ही डिस्कशन कर लेंगे कि रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, मशीन, ये विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसकी हमें जरूरत होगी व्यवसाय के लिए। इसके बाद फाइनेंसिंग, भाई बिना फाइनेंसिंग के, बिना मनी के तो व्यवसाय नहीं चल सकता। कितनी भी मनी आप अरेंज कर लो लेकिन कहीं ना कहीं मनी एक्सेस चाहिए ही होती है व्यवसाय के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सेस, यानी आप कह सकते हो जो अतिरिक्त कोई मनी है, वो कहाँ से अरेंज करेंगे, तो उसका साधन भी हम पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं, पहले से ही कोई ना कोई सोर्स रख लेते हैं, चाहे बैंक की हेल्प ले, चाहे व्यक्ति जनरल पब्लिक की हेल्प ले, किसी की तो हेल्प लेंगे, वो भी हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी अभी आइडिया जो आ रहा है व्यवसाय से रिलेटेड, हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, ये सब कहलाया जाएगा प्रमोशन। चलिए अब आता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, आज मेन टॉपिक हमारा यही है, इनकॉर्पोरेशन और या आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो सेकंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जब तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई तो कंपनी तो है ही नहीं, व्यवसाय बना भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग भी खड़ी कर दी है, गुड्स से रिलेटेड भी सारा कार्य कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया और फाइनेंस का अरेंज कर दिया, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनी का अस्तित्व कैसे बनवा पाओगे, नहीं बना पाओगे, फिर तो वो या तो सोल ट्रेड कराया जाएगा, और या फिर अगर फिर भी कोई भी एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए पार्टनरशिप वैसे ही खास एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे ही आपकी अकॉर्डिंग पार्टनरशिप हो जाएगी, वरना मान लीजिए एक ही व्यक्ति है तो सोल ट्रेड यही चलता रहेगा। ठीक है, कोई लीगल अस्तित्व में तो आया नहीं है, कुछ आइडेंटिटी तो मिली नहीं। आइडेंटिटी अगर चाहिए, आइडेंटिटी अगर चाहिए व्यवसाय को, कंपनी की आइडेंटिटी लेनी है तो एक्ट में जाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा और अस्तित्व में आएगी एक कंपनी, उसको आइडेंटिटी मिल जाएगी कंपनी की। तो सेकंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन है कंपनी का अंडर दिस आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद कौन सी, वो अभी हम पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, तो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया था ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, प्रोस्पेक्टस भी होता है, वो सब डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, सब पर डिस्कशन आएगा, सारा कंटेंट आएगा हमारे आगे। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, सबसे पहले तो बेटा प्रमोशन ही करना होता है वैसा, सोचोगे तो सही, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो आप स्थापित करोगे और किसी की हेल्प लोगे संस्था की,
कंपनी कौन सी बनानी है ये भी तो डिसाइड करोगे, पब्लिक है प्राइवेट है ये सब डिसाइड तो करोगे। उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उसका, ठीक है। तो कुछ इनिशियल एक्टिविटी परफॉर्म करें, कुछ डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, तब एक सर्टिफिकेट रिसीव होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट जो रिसीव होगा, डिपॉजिट आर सर्टेन फीस, फी तो देनी पड़ेगी। अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, तब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, या आप कहेंगे इनकॉर्पोरेशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो अब आइडेंटिटी मिल गई है उस व्यवसाय को, बिजनेस है उस बिजनेस को एक आइडेंटिटी मिल गई है कंपनी की, अब वो कह सकता है कि ये कंपनी है, अब उसके पास पूरा अधिकार है ये कहने का कि ये क्या है, कंपनी है, क्योंकि उसने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, सर्टेन फीस भर दी है, उसके पास एक सर्टिफिकेट उसको मिल गया है रजिस्ट्रेशन का, तो अब उसको एक आइडेंटिटी मिल गई, किसको, व्यवसाय को, व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो बन जाएगा कंपनी। टिल द टाइम कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ कंपनी द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक इसका इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता, जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं हो जाती एक्ट के अंतर्गत, आपको लीगली रूप से, आप लीगली रूप से ये नहीं कह सकते जी ये कंपनी है, क्या ये कंपनी की आइडेंटिटी आपको लीगली रूप से नहीं मिलेगी, लीगली यानी जो सब मान ले, ठीक है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनी नहीं है। द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैन बी डिवाइड इन फॉलोइंग पार्ट, निम्नलिखित प्रकार से इसकी हम प्रक्रिया देखेंगे, क्या इसके स्टेप है, तब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले आता है प्रिलिमरी एक्टिविटी, अभी पीछे पड़ा था ना कुछ, हमें एक्टिविटी करनी होती, तो क्या एक्टिविटी है देखिए, एक्टिविटी कार्य यानी फंक्शन, एक्टिविटी को हम कहेंगे फंक्शन, क्या कौन से प्राथमिक फंक्शन, कार रही तो है, कर ही तो रहे हैं, क्या फंक्शन करने होते हैं। बिफोर अप्रोचिंग दी रजिस्ट्रार फॉर इनकॉर्पोरेशन, जी रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन करने से पहले फॉलोइंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है देखिए, सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस, क्या करना होता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है अभी बताती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड किया जाता है इन विच स्टेट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में होगा, पहले ये डिसाइड करना है जी, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, जहाँ पे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके सारे डॉक्यूमेंट आपके वहीं होते हैं, ठीक है, हर प्रकार की लीगल डॉक्यूमेंट आपके वहां पर जो है सेफ रहते हैं, उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय प्रमोटर, ये तो प्रमोटर लेगा, प्रमोटर कौन, पीछे पड़ा था ना, जिसने व्यवसाय को सोचा है, स्थापित करना है और कर भी रहा है, तब है वो प्रमोटर, ये नहीं मैं बैठी बैठी यहाँ सोचू जी मुझे तो व्यवसाय शुरू करना है, सोच ही रही हूँ मैं, आप पढ़ाते वक्त भी सोचू जी मैं तो व्यवसाय टीचिंग छोड़कर चलो व्यवसाय में चली जाती हूँ, व्यवसाय शुरू करूंगी कंपनी का, कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मेशन का प्रावधान करेंगे, कुछ सोच रही हूँ, तो मैं कोई प्रमोटर हो गई, नहीं प्रमोटर तो तब कहलाई जाऊंगी जब उसको मैं रियलिटी में लेकर आऊंगी। इट इज नेसेसरी टू डू सो बिकॉज कंपनी रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज इट रजिस्टर्ड ऑफिस, ये जरूरी हो जाता है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी उसी स्टेट में होगा जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। तो उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में ही उसको क्या मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर देखिए बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, तो बेटा माइंड में आ रहा होगा एक हेड ऑफिस भी तो होता है, माइंड में आ रहा होगा कहीं ये हेड ऑफिस तो नहीं है, तो बेटा ये हेड ऑफिस ही है। अब थोड़ा सा और बता देती हूँ, हेड ऑफिस हम किसके लिए यूज करते हैं, एक हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप में जो ऑफिस होता है, ठीक है, यानी जहां सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की है, सारे डॉक्यूमेंट है लीगल, ठीक है, वहां सारे डॉक्यूमेंट कोई भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सब कुछ अकाउंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी सब इस ऑफिस में होती है, तो वहां पार्टनरशिप में हम यूज करते हैं हेड ऑफिस। पार्टनरशिप में कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, हेड ऑफिस, कंपनी तो बड़ा है ना, कंपनी तो पार्टनरशिप से ऊपर है, कंपनी का अस्तित्व तो पार्टनरशिप से ऊपर है, तो इसका नाम भी तो अलग होना चाहिए, हेड ऑफिस मैं बोल दूं मैं जी मेरा तो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, अब समझ नहीं आएगा, सबका एक ही नेम इंडिकेट कर देंगे हेड ऑफिस, तो बस यही होगा, ठीक है, पता नहीं पार्टनरशिप है या कंपनी है तो बताना पड़ेगा, हेड ऑफिस किससे रिलेटेड है, कंपनी है पार्टनरशिप भी बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर नेम अलग इंडिकेट कर दिया जाए, जैसे पार्टनरशिप के लिए तो हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस है तो हम कहेंगे वो पार्टनरशिप का एक ऑफिस है,
और रजिस्टर्ड ऑफिस किसके लिए यूज किया जाता है जी? कंपनी के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? कंपनी के लिए। और रजिस्टर्ड नाम क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। आपने पार्टनरशिप में क्या देखा जी? पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ये पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी कराते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है, यूजफुल रहता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन दे दिया। लेकिन कंपनी का अस्तित्व तब है जब इसका क्या है? रजिस्ट्रेशन। इसलिए जो इसका ऑफिस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन भी तब होगा जब इसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जिसे हम हेड ऑफिस कहते हैं पार्टनरशिप में, वही है ये। लेकिन इसको रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जिस स्टेट में, उसी स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का। तो ये है रजिस्टर्ड ऑफिस। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। टू डिसाइड द नेम ऑफ कंपनी, बेटा हम स्टेप पढ़ रहे हैं, टॉपिक के लिए ध्यान होना चाहिए। चल क्या रहा है? कई बार क्या है, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, ये ध्यान नहीं रहता जी। पढ़ क्या रहे थे? थोड़ा सा बार बार मैं इसलिए रिमाइंड करा देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिलिमरी एक्टिविटी, यानी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी। रजिस्ट्रेशन तब होगा, तो उसके लिए पहली कंडीशन है जी रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, भूल जाओ, कंपनी का फॉर्मेशन होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो इसे रजिस्टर्ड ऑफिस हमें बनाना पड़ेगा, कोई भी स्टेट जहां हमें रजिस्ट्रेशन कराना है उस कंपनी का। अब आता है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम डिसाइडिंग कर। अब नेम भी तो डिसाइड करना है बेटा। रजिस्ट्रेशन कराओगे तो यूं कहोगे जी कंपनी बना रहे, नेम तो बताइए, नेम क्या है? नेम ही तो दर्ज होगा, उसी से तो पहचान है। आपकी पहचान किससे? आपकी नेम से ही तो है। मैं आपको कैसे बोलती हूँ? नेम से ही तो बोलती हूँ, ठीक है, तभी तो आप समझते हो कि हाँ जी मैं आपको बोल रही हूँ। तो नेम तो होना चाहिए, नेम बिना तो कुछ भी नहीं है। बाहर आप कह रहे हो जी मुझे टूथपेस्ट चाहिए, बाहर जाके आप खड़े हो जाते हो, मीन्स शॉप पर चले जाते हो, आप कह रहे हो जी मुझे तो टूथपेस्ट चाहिए। जी कौन सा दूं टूथपेस्ट? सामने वाला वही तो कहेगा जी कौन सा, नेम बोलिए नेम। फिर आप नेम बोलते हो तब वो पहचानता है उसको और वो देता है। नेम बिना तो नहीं चलेगा, इसलिए नेम देना तो पड़ता है। फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नेम डिसाइडिंग करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए किन बातों का। देखें, इट शुड बी कंफर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस वेयर द परमिशन फॉर द नेम कैन बी ग्रांटेड और नोट, ठीक है। तो नेम डिसाइड करने से पहले थोड़ा सा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहां पर रजिस्ट्रेशन होगा, थोड़ा सा हमें वहां पे कंफर्म कर लेना चाहिए क्या ये नेम की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी अगर आपने थोड़ी सी बातों का ध्यान रखा होगा। कौन सी बातों का ध्यान रखा होगा? जैसे कि नेम ऑफ कंपनी सिलेक्टेड बाय इट्स ओनर, जो सिलेक्ट किया जाएगा ओनर द्वारा, येट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद दी सेक्शन सेकंड ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हैंस नेम ऑफ कंपनी, मेन लाइन ये रहा जी, नेम ऑफ कंपनी शुड नॉट बी सिमिलर नेम ऑफ सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के, सिमिलर होना ही नहीं चाहिए जी। सिमिलर कर दोगे तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? पहचान कैसे मिलेगी उसको? अलग आइडेंटिटी कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। क्लास में दो बच्चों के नेम एक जैसे होते हैं, कितना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई आइडेंटिटी उनके पीछे लगा देते हैं, चाहे उसका उनको बुला रहे हैं पीछे सरनेम के साथ जैसे भी है, ठीक है, या फिर हम विलेज के साथ उस व्यक्ति उस बच्चे को हम बुलाते हैं। तो ये कुछ तो अलग होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं जो नेम है पहले से एग्जिस्टिंग है कंपनी, उससे रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शनेबल किया है, उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। थोड़ी पार्लियामेंट वर्ड यूज कर रहे हो जी, नहीं ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा एंड द एंड नेम ऑफ कंपनी वर्ड लिमिटेड शुड बी यूज, और लिमिटेड वर्ड यूज करना है जी, ठीक है। अब आप देख लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड है, जनरल पब्लिक को शेयर जारी नहीं करना, तो प्राइवेट यूज करना है, और अगर पब्लिक है तो लिमिटेड यूज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ बस यही था और कुछ भी नहीं है। इसके बाद टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ये एक एक्ट है, ठीक है। कौन सा एक्ट? लाइसेंस का एक एक्ट है बेटा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लिए तो है कंपनी, ठीक है। ये सब लाइसेंस लेंगे, शुरू करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लाइसेंस लेना जरूरी है, तो इसका एक एक्ट बना दिया 1951, यानी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा। देखिए, कीपिंग इन माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, का बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हैड पास द अबो एक्ट इन 1953, एक बैलेंस डेवलप बना रहे, ठीक है, लाइसेंस भी मिलेगा, थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो
पास कर दिया जाता किया 1953 एक्ट जी। इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट तो होते ही रहते हैं बेटा, कुछ ना कुछ देखा जाता है डिफिकल्टी उसको दूर करने के लिए, कुछ ना कुछ एक दो बातें ऐड होती ही रहती है। इफ द कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट एनी सच बिजनेस फॉर विच गेटिंग लाइसेंस इज कंपल्सरी, देन एन एप्लीकेशन शुड बी सेंड और प्रेस्क्राइब फॉर्म टू गेट सच अ लाइसेंस। ठीक है, जैसे अगर लाइसेंस लेना है तो उसके लिए एक प्रेस्क्राइब फॉर्म लेना जरूरी है। सच एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू, और इसे देनी पड़ेगी एप्लीकेशन कहाँ देनी पड़ेगी, सेक्रेटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, इस एसोसिएशन में, इस संस्था में ये देनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट, टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेना अंडर राइट, जैसे कि ये जरूरी होना चाहिए बेटा, अंडर राइटर है, ब्रोकर है, बैंकर है, लीगल एडवाइजर है, ऑडिटर आर अपॉइंटेड किए जाते हैं, नेम ऑफ पीपल हु विल बी साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डिसाइडेड। ठीक है, और बेटा इन साइन भी होते हैं, नेम ऑफ पीपल हु विल बी साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डिसाइडेड। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में व्यक्तियों के साइन होते हैं, तो बेटा नेम हम इंडिकेट करेंगे तो वो डिसाइड कर लेना चाहिए। अब अंडर राइटर कौन है, ब्रोकर या बैंकर, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर कौन है, इन जो अपॉइंट किए गए हैं इनके नाम भी हमें पेश करने पड़ेंगे। तो देखिए अब ये होते क्या है इसके बारे में बता देती हूँ। अंडर राइटर कल डिस्कस किया था, फिर बता देती हूँ। अंडर राइटर क्या है, अंडर राइटिंग का कार्य है शेयर को सेल कराना। ठीक है, जब बेटा शेयर सेल किए जाते हैं, शेयर यानी जनरल पब्लिक को शेयर किए जा रहे ए, ए, सेल किए जा रहे हैं जनरल पब्लिक को, तो लोग में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर आप शेयर सेल कर रहे हैं तो कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन मतलब आवेदन, आवेदन मतलब 90% पैसा व्यक्ति देने के लिए तैयार है। जैसे बहुत ही शॉर्ट डिजिट ले लेती हूँ, मान लीजिए 1,000 रुपये मुझे लेने हैं। ठीक है, शेयर जारी कर रही हूँ, 1,000 रुपये मुझे लेने हैं। ठीक है, तो 90% रुपये का के लिए आवेदन आ जाना चाहिए, यानी 900 रुपए के लिए लोगों ने आवेदन दे दिया हो मुझे, यानी मेरे पास लोग खड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति कि जिनसे जिनको मैं जब शेयर दे दूंगी तो ऑटोमेटिक मेरे पास 900 रुपए आ जाएंगे। ये प्रावधान है 90% का अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर मान लीजिए आपको 1,000 रुपए तो चाहिए, शेयर जारी कर लिए, लेकिन 900 रुपए तक देने के लिए टोटल, चाहे कितने व्यक्ति भी ऐड हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका टोटल 900 तो होना ही चाहिए, 900। अगर 900 तक के रिकवर होने की कोई चांसेस नहीं होती तो कैंसिल हो जाते हैं बेटा, फिर शेयर जारी नहीं होंगे उसके, शेयर जारी करना कैंसिल हो जाएगा उस कंपनी के लिए। अथॉरिटी पूरी मिल गई है जारी करने की, पब्लिक लिमिटेड बनी हुई है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है, लेकिन शेयर अब उसे कंपनी को और आगे बढ़ाना है और मनी चाहिए, वो शेयर जारी करना चाह रही है, शेयर जनरल पब्लिक को जारी करना चाह रही है, करे जनरल पब्लिक को, लेकिन उसे कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। 90% सब्सक्रिप्शन जरूर आना चाहिए, यानी आवेदन एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन आ जाती है फिर लोगों को क्या कर दी जाती है, शेयर दे दिए जाते हैं और मनी रिसीव कर ली जाती है। तो 90% बेटा सब्सक्रिप्शन जरूर होना चाहिए। तो अब नहीं हुआ तो आपको शेयर से पैसा नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए प्रावधान है, अंडर राइटर की हेल्प दी गई है, लोन अंडर राइटर की हेल्प दी। अंडर राइटर कौन होते हैं बेटा, जैसे SBI, ICICI बैंक, ये सब अंडर राइटिंग का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंपनी है, ये एक तरीके के ब्रोकर हो गए बेटा, इंटरमीडिएट हो गए। कंपनी से क्या खरीदते हैं जी, शेयर खरीदते हैं, कंपनी से शेयर खरीदते हैं और फिर उस शेयर को जनरल पब्लिक को बेचते हैं, जितना बिक जाए बेच देते हैं। बाय चांस 1,000 रुपए के शेयर, भाई 1,000 रुपए कलेक्ट करने हैं, ठीक है, 100 शेयर जारी कर दिए, मान लीजिए 10 का 1,000 रुपए कलेक्ट करने, कंपनी को 1,000 रुपए तक के शेयर जारी किए हैं, और मान लीजिए अंडरराइटर ने जनरल पब्लिक को, मान लीजिए SBI ने जनरल पब्लिक को शेयर बेच भी दिए, जैसे तैसे बेच दिए, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन के लिए बेच दिया, लेकिन सब्सक्रिप्शन केवल 800 ही आया है, ये 800 मतलब 800 रुपए तक ही लोगों से कलेक्ट होंगे, तो 100 तो बच गए, कैंसिल हो जाएगा बेटा इसका। अगर 900 नहीं हुए पूरे तो कैंसिल हो जाएगा इसका शेयर जारी करना, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर राइटर क्या करेगा, ये खुद खरीदेगा, 100 रुपए बचे ना, 100 रुपए खुद देगा खरीद कर शेयर, तो इसलिए इसे बोलते हैं अंडर राइटर। अब आता है ब्रोकर, बदले में कमीशन तो लेगा। ब्रोकर क्या होता है बेटा, ब्रोकर नहीं करते ये काम, ठीक है, ब्रोकर सिर्फ क्या करते हैं, शेयर को बेच बिकवाने का कार्य करते हैं, ठीक है।
बिक गए जो बच गए वो वापस कंपनी दे देते हैं, खत्म। इसलिए कंपनी अंडरराइटर की हेल्प लेती है जब शेयर को जारी कर रही है, ठीक है। इसके बाद आता है बैंकर्स। बैंकर्स तो ठीक है, बैंक है, आपको ये जरूर इंडिकेट करना है किससे रिलेशन है, ठीक है। लीगल एडवाइजर तो होना चाहिए ताकि लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके। ऑडिटर तो होता ही है, ठीक है। ऑडिटर जो अंकेशन यानी अकाउंट मेंटेन करता है, आर अपॉइंट किए जाते हैं। नेम ऑफ पीपल हु विल बी साइनिंग मेमोरेंडम एसोसिएशन आर डिसाइड, और किसके साइन होने हैं सब व्यक्तियों के नाम डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद टुगेदर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, जी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किसके होने, जैसे अभी आते हैं ना बेटा डायरेक्टर है, इन सबके साइन होने जरूरी होते हैं। कुछ व्यक्ति ये है ऑडिटर है बैंकर राइटर, तो इन सबके साइन होने जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंट में साइन होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किए जाते हैं और जी प्रिंट किए जाते हैं। अब अगला आता है सेंडिंग एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सेंड करना। तो कौन कौन सी देखें, आफ्टर कंप्लीटिंग दी अबो मेंशन प्रिलिमरी वर्क, प्रीमियर वर्क कर लिया, सारा पढ़ लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस, डिसाइड नेम, लाइसेंस, ठीक है, अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट ये सब प्रिपेयर कर दिया। प्रमोटर ऑफ कंपनी प्रेजेंट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू दी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दैट स्टेट वेयर कंपनी हैज इज रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का, ध्यान दीजिए वो फर्स्ट पॉइंट में था। फिर एप्लीकेशन दे देती है कंपनी, ठीक है, रजिस्ट्रार को, जो भी जिस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार को जहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है। चलिए अब आता है डॉक्यूमेंट टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट जो है फाइल करेगा रजिस्ट्रार अलोंग विद द एप्लीकेशन, दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी फिल, विभिन्न प्रकार से जो है फिल की जाएगी। देखिए कौन कौन सी फिल होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट, इसके बिना रजिस्ट्रेशन भूल जाइए। इट डिफाइन दी, ये क्या डिफाइन करता है, ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कंपनी का, और डिटरमाइन करता है लिमिट ऑफ अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी की लिमिट क्या है, शेयर कितने जारी कर रहा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर्टेन बेसिक पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ थीम कंपनी इनकॉर्पोरेशन इज परमिटेड, ठीक है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, क्या बिजनेस कर रही है उसको देखते हुए उसको क्या दे देती, उसका रजिस्ट्रेशन की परमिशन दे देती है। इन पब्लिक लिमिटेड में कंपनी के मिनिमम 7 व्यक्ति होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 व्यक्तियों के साइन जरूर होने चाहिए डॉक्यूमेंट पर। इस सिग्नेचर ही मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर, और शेयर तो उन्होंने लिए हुए हो, शेयर मतलब मनी तो दी हुई हो, वो तो देनी जरूरी है तभी तो कंपनी शुरू करोगे। हर सिग्नेचर मस्ट हैव एटलीस्ट एक, हर जो जिसके सिग्नेचर हो रहे हैं, जैसे आप ये पढ़ रहे हो 2 व्यक्ति 7 व्यक्ति, तो कम उनके पास शेयर तो कम से कम 1 शेयर तो हो, शेयर तो खरीदे हुए होंगे ही, मनी तो लगा ही है। दिस शुड कैरी दी नेसेसरी स्टैंप, और उस पर स्टैंप भी होनी चाहिए। ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका बहुत आगे बड़ा कॉन्टेक्ट भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, यहाँ सिर्फ मीनिंग है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब जहाँ पे रूल मेंशन है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त करोगे, कुछ दायरे में रहकर ही उसको पूरा करना है, कुछ आप फॉलो करेंगे, कुछ एक्ट के अंतर्गत आएगा, उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई लीगल एक्टिविटी आपको करना नहीं है, टाइमली सबकी पेमेंट करनी है, ठीक है। और रूल ये भी होंगे जी, शेयर जारी कर रहे हो तो 90% सब्सक्रिप्शन आपको जरूर करना है, ये सब रूल हो जाते हैं। एंड टू रन दी कंपनी नीड्स प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, आर्टिकल ऐसे शुड बी प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए एक पैराग्राफ में पब्लिक कंपनी के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जरूरी नहीं है आर्टिकल एसोसिएशन प्रिपेयर कराए, लेकिन जरूरत हो इसके प्लेस पर, अगर जरूरत हो तो वो एक टेबल है, टेबल एफ में क्या है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे वो डिटेल बनाएगी, जो पैराग्राफ जो बनाएगी वो टेबल एफ में ऑलरेडी होगा, ठीक है, उसको यूज कर सकती है। टेबल एफ भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसी ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ आर्टिकल एसोसिएशन में ज्यादा डिटेल देनी पड़ेगी, टेबल एफ में आपको ज्यादा डिटेल नहीं देनी है, इस सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस कंडीशन वाइल सेंडिंग दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू दी रजिस्ट्रार, रजिस्टर्ड विदाउट दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी मेंशन, ठीक है। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार को सेंड करते हैं तो रजिस्टर्ड विदाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी मेंशन, तो बेटा ये भी जरूरी शो कर देना चाहिए, रजिस्टर्ड
विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कर रहे हो या फिर टेबल एफ आप क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो, ये सब मेंशन होना चाहिए। अब आता है इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। जी रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन तो देनी है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस और सिचुएशन बताइए कंपनी का। रजिस्टर्ड ऑफिस जो हेड ऑफिस में बोल रही थी कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस को बताना पड़ेगा, ठीक है। 30 डे के अंतर्गत लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट देनी पड़ेगी, डायरेक्टर बताई दिए थे, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मिनिमम मिनिमम है मैक्सिमम 15, 15 तो 15 से ज्यादा भी जा सकते हैं। एटलीस्ट दोज इंडिविजुअल वे इंडिविजुअल हु हैव एग्रीड टू वर्क एज, जो डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार है उनके नेम भेजने पड़ते हैं। इन दिस लिस्ट नेम एड्रेस अदर डिटेल जो व्यक्ति की है वो देनी पड़ती है। इन केस प्राइवेट कंपनी में दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर, इंफॉर्मेशन खास जरूरत नहीं होती, लेकिन देते हैं, ठीक है, लेकिन देते हैं डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बोला है इंफॉर्मेशन खास रिक्वायर नहीं है लेकिन फिर भी देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। जी डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट सहमति होनी चाहिए कि वो डायरेक्टर बन रहा है। अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ द रिटर्न कंसेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल शुड ऑल्सो बी सेंड, एक रिटर्न सहमति हो। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो सच, तो वहां पे जरूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी में, यही तो है पीछे हमने कुछ पढ़ा था, कुछ प्रिविलेज बहुत सी सुविधा मिल जाती है किसको, प्राइवेट कंपनी को, और वैसी सुविधा ओपीसी को भी मिल रही थी। तो बेटा ये सारी सुविधाएं है, डायरेक्टर है जरूरी नहीं है, ओनर से मेंबरशिप का तो सारा हम देंगे ही, रिटर्न कंसेंट सब कुछ देंगे, रिटर्न फॉर्मेलिटी सब कुछ करेंगे, साइन सब देंगे, लेकिन डायरेक्टर की जरूरत है तो कीजिए, अदरवाइज खास इसका प्रोविजन नहीं है, लेकिन पब्लिक में तो मैंडेटरी है। ऐसे ही रिटर्न कंसेंट, भाई डायरेक्टर वो बनना चाह रहा है इसकी भी जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हो। इसके बाद आता है अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर जो खरीदे हुए शेयर है, कुछ शेयर खरीदना, ठीक है, ये पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन शेयर क्या है, इट रिफर टू दो शेयर विच अंडर दी प्रोविजन ऑफ एक्ट, जो एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन में आए हुए हैं, मीन्स जो खरीदे हुए हैं। डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बाय, डायरेक्टर को जरूरी हो जाता है जी बाय करना, इंश्योरिंग टू हैव सम स्टेक, स्टेक मतलब शेयर इन दी प्रपोज कंपनी, प्रपोज कंपनी जिस कंपनी में वो डायरेक्टर बन रहे हैं, तो उसके शेयर खरीदना, ठीक है। तो कितने शेयर खरीदे हैं तो उसके बारे में बताना जरूरी है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर, लेकिन बेटा अब जो 2013 का एक्ट आया ना, उसमें अब ये मैंडेटरी नहीं किया गया कि डायरेक्टर शेयर खरीदे, अब ऑप्शनल है। अलोंग विद, लेकिन मैंने कहा ना ये सारा कंटेंट पहले से दिया हुआ है, तो वो पहले वाला ये सारा, ये 1956 के अकॉर्डिंग जो सारा था मेनली वही ज्यादा गिवन है। अलोंग विद रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो सेंड करनी पड़ती है, प्रोमिस इज मेड बाय डायरेक्टर टू दी क्वालिफिकेशन शेयर एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ दी शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर यानी जो उसने शेयर खरीदे हैं कंपनी के, जिस कंपनी के डायरेक्टर बनना चाह रहा है उसका जो शेयर वो खरीद रहा है डायरेक्टर, लेकिन कुछ परसेंटेज शेयर खरीदना जरूरी है अकॉर्डिंग टू पिछले वाले उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। इन केस प्राइवेट कंपनी में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी सेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सेंड करने की जरूरत है डायरेक्टर ने अगर शेयर खरीदे हैं तो कितने खरीदे हैं। प्रिलिमरी एग्रीमेंट विद मैनेजीरियल पर्सनल, मैनेजीरियल पर्सनल जो मैनेजर संभालेंगे डायरेक्टर, तो उसके एग्रीमेंट इफ द कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर, मैनेज कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो डायरेक्टर की हेल्प करेगा, हम कह सकते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है सफलता और असफलता के लिए, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, हर प्रकार की मीटिंग ये अरेंज करना, रिपोर्ट दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करना, ये कार्य करता है, तो डायरेक्टर आप ज्यादा ऊपर कह सकते हैं। इसके बाद आता है मैनेजर, मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ा नीचे होता है, मैनेजर आप कह सकते हैं हर डिपार्टमेंट का मैनेजर। सेक्रेटरी है जो अपॉइंटमेंट कराती है, ठीक है, और ट्रेजरर जो मेन अकाउंट की कार्य करता है। देन अ कॉपी ऑफ द कॉन्टैक्ट विद देम इज फाइल इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, इसकी भी एक कॉपी देनी पड़ेगी, इनके कॉन्टैक्ट देने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी में भी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल दिस इंफॉर्मेशन, कोई फिल करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, यही तो फैसिलिटी दी हुई है अकॉर्डिंग टू लॉ कि प्राइवेट में, ये सब पब्लिक के लिए, प्राइवेट में मैंडेटरी नहीं है, बाकी उसकी जो मर्जी है। स्टेचुरी डिक्लेरेशन, देखिए वैधानिक डिक्लेरेशन क्या है, द टाइम ऑफ जैसे इनकॉर्पोरेशन हो जाता है कंपनी का, स्टेचुरी डिक्लेरेशन इज सेंड टू रजिस्ट्रार, इंडिकेट दैट ऑल द स्टेचुरी ऑब्लिगेशन हैव बीन कंप्लीटेड, ऊपर जो सारी मेन फॉर्मेलिटी थी सब कुछ पूरी की जा चुकी है, ये एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेटा किसके बारे में हम पढ़े थे, कि जो डॉक्यूमेंट भाई फिल कराया जाता है रजिस्टर के पास, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इंफॉर्मेशन रजिस्टर ऑफिस के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट,
कितने शेयर खरीदे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर सेक्रेटरी कौन है, इसके अलावा सारी कंडीशन फुलफिल की गई है उसके एक स्टेचरी वार्निंग। अब इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। बेटा फी देखिए, अलोंग विद द अबोव डॉक्यूमेंट के साथ एक प्री डिटरमाइंड फी, पीछे पड़ा था ना, फी भी देनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी का जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां पर एक फीस देनी होती है। दिस फीस डिपॉजिटेड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट विद दी, ये फी कहाँ डिपॉजिट हो जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। दी रेट ऑफ फी आर गिवन इन 10th शेड्यूल। ऑफ फी क्या है, कुछ यहाँ गिवन नहीं है, 10th शेड्यूल होता है इंडियन कंपनी एक्ट का, वो यहाँ पर आपके गिवन नहीं है, इतनी डिटेल गिवन नहीं होती है। वहाँ पे बहुत सी वहाँ फी स्ट्रक्चर होता है तो उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। चलिए बेटा, एक यहाँ पे एक स्पेसिमेन कॉपी दी हुई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसा इसका देखिए, ये है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का। तो ये बेटा इस तरीके से सर्टिफिकेट बनकर आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट, या नेम ऑफ द कंपनी इंडिकेट होता है, इस दिन क्या किया गया था, 2013 एक्ट चल रहा तो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और इज लिमिटेड यानी पब्लिक ही है, अंडर माई हैंड डेली 3rd day of February 2020, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन हो चुका है एंड गिव अंडर माई हैंड एट दिल्ली दिस 3rd day of February 2020। डीड स्टैम्प पे की जा चुकी है, ये मनी आपको लिखनी है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन कैपिटल, ठीक है, कितनी स्टैम्प ड्यूटी है वो पे करनी होती है, सील ऑफ दी रजिस्टर्ड, ये बेटा ये फीस पे कर चुके हैं 220, सील होती है यहाँ पे रजिस्ट्रार की और सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, कंपनी के सिग्नेचर यानी वो सील जो है पड़ा था ना, कंपनी तो कहाँ साइन करेगी, वो व्यक्ति थोड़ी है लेकिन एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है, उसके साइन होते हैं। तो इस तरीके से एक सर्टिफिकेट है, इसकी एक कॉपी दी हुई है, ये पूरा कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द अबव फॉर्मेलिटी, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, रजिस्टर चेक द इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक करता है रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, इफ ही सेटिस्फाई विद द कंप्लीशन ऑफ, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है सारी ही लीगल फॉर्मेलिटी से जो कंपनी एक्ट 2013 में है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिर वो एक दे देगा जिसे हम कहेंगे CIN यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उसको एक मिल जाएगा यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड वो हो चुकी है, कंपनी को एक इशू हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट क्या होगा इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के, क्या प्रभाव होंगे, कंपनी बिकम एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी बन जाएगी कि वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड उसके पास होगा प्रूफ के रूप में कि वो कंपनी है, वो दिखा सकती है कि मैं कंपनी हूँ लीगली रूप से। आर्टिफिशियल पर्सन का एक दर्जा मिल जाएगा, ठीक है, उसका सेपरेट अस्तित्व बन जाएगा मेंबर से, और आइडेंटिटी कंपनी की परमानेंट हो जाएगी यानी अस्तित्व परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, वो कंपनी बन गई, वो आइडेंटिटी बन गई उसकी परमानेंट। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर रिसीविंग दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आगे देखिए, जैसे ही प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है जैसे उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए थोड़ा सा भी उसे वेट करना पड़ेगा, वो फॉर्मेलिटीज हम पढ़ेंगे कल, ठीक है बेटा। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ, ये लास्ट पॉइंट क्या था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि एक फी देनी होती है, फी कितनी देनी होगी, ये 10th शेड्यूल में गिवन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ गिवन हुआ है कि अंडर माई हैंड ये 3rd फेब को ये बेटा 220 ये डीड स्टैम्प ये दी जा चुकी है, कैपिटल स्टैम्प ड्यूटी पर ये दी जा चुकी है, यहाँ प्राइस लिखना है, ये एक सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का, जैसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो प्राइवेट कंपनी तो शुरू कर देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसे एक नंबर मिल जाएगा, और इनकॉर्पोरेशन के क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी हो जाएगी, ठीक है, प्रूफ मिल जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी, परमानेंट हो जाएगा उसका अस्तित्व। ओके बेटा, थैंक यू।